हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ के इस सेशन में। और हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू पर आधारित कुछ प्रश्न। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले साल SBI कलर के प्रीलिम्स में क्वांटिटी टू और क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बारी आने का पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसे सॉल्व हम करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपका क्वांटिटी वन में आपका x आपका है और क्वांटिटी टू में आपका 160 है, तो इसी दोनों में कंपेयर करके आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेन ए है रनिंग एट ए स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, यहाँ कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ए है और क्रॉसेस ट्रेन बी। तो यहाँ कोई ट्रेन है, ये मान लेते हैं ट्रेन बी, और दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इसकी स्पीड 25 आपका गिवेन है और इसका 15 आपका गिवेन है। तो देखिए, सपोज ये कोई ट्रेन ए है, ठीक है, यहाँ ट्रेन बी है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रहा है। अब बोल रहा है कि क्रॉसेस बी, तो इसको ये क्रॉस किया तो ट्रेन ए कितना यहाँ हो गया होगा, ठीक है, ट्रेन यहाँ आ गया होगा। तो देखिए, जो आपका डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, देखिए ये आपका ये ए के द्वारा ये तय किया गया और इसको ओवरटेक किया बी को। तो देखिए, तो डिस्टेंस बराबर आपके यहाँ कितना निकल के आ गया, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, और डिस्टेंस बराबर आपका ये आ गया। तो और आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है, डिस्टेंस बराबर का होता है स्पीड इनटू टाइम। और आगे आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ए और बी दिया हुआ था। देखिए, आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ लेंथ बी। तो देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी को आप 2/1 बांध सकते हैं, और आप इसको और भी आप कर सकते हैं, तो आप इसको 2t मान लीजिए और इसको यहाँ t मान लीजिए। तो देखिए, डिस्टेंस की जगह आप लेंथ ऑफ ट्रेन ए और बी रखिए। तो देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए और बी कितना है, 2t और t, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 3t, आपका 3t हो गया। इज इक्वल टू स्पीड क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पीड आप ऐड कर दीजिए, तो 25 और 15 कितना हो गया, 40 इंटू टी। तो सॉरी, टी का वैल्यू आपका यहाँ गिवन है 12 सेकेंड, तो आप यहाँ 12 आप लीजिए। देखिए, यहाँ स्मॉल टी मैंने एजम्पशन के निर्माण है, ये टी आपका ये समय है, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना होइए, ये समय है कैपिटल टी, स्मॉल टी मैं रेशियो के लिए मान लिया हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं मान सकता, क्योंकि एक्स यहाँ ऑलरेडी मेरे वहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको जो रेशियो के लिए आपको कुछ और नंबर मानना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ से टी का जो स्मॉल टी का वैल्यू आपका निकल के आएगा 3 से 4, तो आपको कितना आ जाएगा, 160। आप 160 पुट कीजिएगा तो आपका लेंथ ऑफ जो ट्रेन ए है 320 आ जाएगा और लेंथ ऑफ ट्रेन बी आपका 160 आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज एक्स, जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए है वही आपका एक्स के बराबर है, जो यहाँ आपको फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स कितना है, 320। तो देखिए, 320 आ गया, ये 320 क्या है, क्वांटिटी वन है, क्वांटिटी वन। देखिए, क्वांटिटी वन क्या है, 320 है, यहाँ क्वांटिटी टू कितना है, 160 है, तो कौन बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया क्वांटिटी टू से, तो आपका ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बी प्लस सी इज 1 मोर देन द एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए, बी प्लस सी प्लस डी तीनों का एवरेज लेंगे तो अपॉन 3 कर देंगे, और एक ज़्यादा है एवरेज ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एवरेज 3 हो गया, हाँ एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 और अपॉन 3, पूरे में 3 कैंसिल, बी सी से सी यहाँ कैंसिल, अब बी से बी यहाँ कैंसिल, तो आपका यहाँ डी बराबर क्या आ गया, ए प्लस 3 आ गया। देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि एवरेज ऑफ ए एंड डी, ए और डी का जो एवरेज है वो कितने के बराबर है, 19.5,
एवरेज हो गया ये। तो देखिए आप इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, डी टू से मल्टीप्लाई कीजिए 39 और डी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा ए प्लस 3, तो ए का वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा 18। तो देखिए आपको क्वांटिटी वन में क्या है, नंबर ए ही फाइंड करना है, तो ये आपका क्या हो गया क्वांटिटी वन 18 और क्वांटिटी टू आपका क्या है यहाँ गिवन है 21। तो देखिए इसमें कौन बड़ा है, क्वांटिटी टू बड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपका है कि इसमें भी क्वांटिटी वन में आपको एक्स ही फाइंड करना है, क्वांटिटी टू आपका 250 लीटर गिवन है, इसी में कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ क्वांटिटी वन एक्स हो गया, क्वांटिटी टू 250 हो गया। तो देखिए अब एक्स को हमको ये क्वेश्चन गिवन है, इसी से हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये कोई पाइप है एलोन, कितना है भरता है 60 मिनट में, ठीक है। फिर आगे बोला जाए बट ड्यू टू लीकेज, अब लीकेज भी हो गया, ए तो भर रहा था अब इसमें लीकेज भी माइनस कर दिए, तो 80% इन 1 आवर्स, तो ये कितने मिनट में। तो देखिए आपको यहाँ 60 मिनट में गिवन है ना दोस्तों, तो आप इसे भी पहले मिनट में कन्वर्ट कीजिए। आप अगर आवर्स में ले रहे हैं तो पूरे डेटा को आवर्स में दीजिए, और अगर मिनट में ले रहे हैं तो पूरे को आप मिनट में लेकर डील कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या गिवन है, देखिए हम आपको 80% है तो इसका निकालना है कैसे 100% में, तो बता रहे हैं देखिए 80% वो कितने में भर रहा है 60 मिनट में, ठीक है। तो इसी तरह 100% पूरा टैंक को भरने में जो आ रहा है पानी और निकल रहा पानी को टोटल 100% में कितना मिनट लगेगा, तो यहाँ से आपको 75 मिनट लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम जो पानी आ रहा है और निकल रहा है ये दोनों मिला के 75 मिनट में भरेगा। अब दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम आ जाएगा ना दोस्तों वो हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। यहाँ 300 एलसीएम आ जाएगा यूनिट, और जो टोटल वर्क है टैंक के केस में यही टोटल वर्क हमारा किसके बराबर हो जाता है, ये कैपेसिटी के बराबर हो जाता है, ये हमारा कैपेसिटी के बराबर होता है। तो देखिए अब इसी तरह हम ए का निकालेंगे और ए माइनस एल का कि एक मिनट में कितना यूनिट है, तो देखिए टोटल यहाँ कितना 60 है, यहाँ टोटल वर्क 300 यूनिट है, तो एक मिनट में कितना यूनिट करेगा, तो आप 300 में 60 से डिवीजन कीजिएगा तो आपको 5 यूनिट पर मिनट ए के द्वारा भरा जा रहा है। फिर आप 300 में आप 75 से डिवीजन कीजिएगा तो 4 यूनिट पर मिनट, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ गया ए माइनस एल कितना आ गया 4 यूनिट पर मिनट। तो देखिए एक मिनट में कितना ला रहा है 5 यूनिट, यहाँ 5 लिख दीजिए माइनस लीकेज इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, एल का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा 1 यूनिट पर मिनट में लीकेज है, मतलब ये पानी निकाल रहा है, लीकेज का आपका यहाँ निकल के आ गया है लीकेज का वैल्यू। और भराने का तो आपको पता ही है 5 यूनिट पर मिनट आ रहा है। तो देखिए फिर आगे कहा जाता है एक्स इज द कैपेसिटी, देखिए ये जो कैपेसिटी है आपका यही आपका एक्स यही निकालना है, ये जो आपका कैपेसिटी जो गिवेन है ये टोटल वर्क जो आपका कैपेसिटी है वो क्या है एक्स है, यही आपको निकालना है। 300 यूनिट को लीटर में निकालना है, इन लीटर, लीटर में, क्योंकि यहाँ आगे भी आपको लीटर में दिया होता है, इसको भी आपको लीटर में निकाल के कंपेयर करना है। तो देखिए ड्यू टू लीकेज 60 लीटर कैन बी लीक्ड और इन, देखिए 1 आवर्स यहाँ फिर गिवेन है, तो देखिए इसको आप फिर मिनट में चेंज कीजिए, तो बोलने का मतलब हो गया कि आपको यहाँ क्या हो गया 60 मिनट में 60 लीटर, ठीक है। तो एक मिनट में कितना पानी निकाल देगा, सॉरी एक मिनट में कितना निकाल देगा, एक मिनट में आपका 1 लीटर। तो देखिए आपका यहाँ लीकेज क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट पर मिनट, मीन्स आपका 1 यूनिट ये कितना मिनट में निकाल रहा है, 1 मिनट में निकाल रहा है, ठीक है। और ये आपका 1 मिनट में 1 लीटर के बराबर है, जो कि 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो मीन्स आपका बोलने का मतलब हो गया है कि 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट आपको कितने के बराबर हो गया है, 1 लीटर के बराबर हो गया है, ठीक है। जो कि और यहाँ टोटल वर्क और जो आपका कैपेसिटी वो 300 यूनिट की है, तो आप इसी तरह 300 यूनिट में निकालेंगे तो यहाँ 300 लीटर आ गया। तो देखिए अब तो यहाँ जो 300 लीटर है ये आपका एक्स के बराबर हो गया,
तो देखिए आपका जो एक्स है निकल के आ गया है 300 आ गया है, जो क्या है क्वांटिटी वन है, सॉरी क्वांटिटी वन है। तो देखिए आप यहाँ क्वांटिटी वन आपका कितना आ गया 300 आ गया है, और क्वांटिटी टू आपका 250 दे दिया, तो मतलब आपका ये बड़ा हो गया ना दोस्तों, ठीक है, आपका ये क्वांटिटी वन बड़ा हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, स्पीड मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम एंड स्पीड पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ गिवेन है क्वांटिटी, इसमें भी एक्स निकालना है और एक्स निकाल के क्वांटिटी टू गिवेन है, कंपेयर कर देना है। तो देखिए यहाँ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट हम बी मान लेते हैं, टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, जिसको हम लोग सी मानते हैं, कितना 2:1 है। तो देखिए ये रेशियो में है, तो आपको इसको क्या मान लीजिए, 2t मान लीजिए और इसको t मान लीजिए, ठीक। और देखिए दोस्तों हम t इसलिए माने क्योंकि आगे यहाँ x है, ठीक है, x x आपको अगर मान लेते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको t मान लिया हूँ, तो ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय मैन ए कवर 72 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो देखिए समझिए आप थोड़ा बातें को, यहाँ देखिए ये दो पॉइंट है, इधर से जाने में क्या है अप स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम है, तो इसमें ये 72 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर वहाँ से वापस आएगा तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये भी 72 किलोमीटर हो गया, तो ये अप स्ट्रीम 72 किलोमीटर, फिर 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कम बैक मतलब वापस आ रहा है, कम बैक मतलब वापस आना क्या, एक बार आप धारा के अपोजिट जाएंगे तो जब उधर से आएंगे तो आप धारा के साथ ही आइएगा ना, तो इसी कारण उसको हम डाउन स्ट्रीम, कम बैक मतलब डाउन स्ट्रीम मान रहे हैं। दोनों को कितना 32 आवर में लगा है, तो देखिए इधर से जाने में जो T1 लगा है T1, उधर से फिर टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम आप कह लीजिए और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, और यहाँ टोटल टाइम आपका जो आपका ये क्या होगा, टोटल टाइम ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो देखिए टाइम है, तो देखिए अप स्ट्रीम में है, तो अप स्ट्रीम में 72 किलोमीटर हो गया, अपॉन चाल कीजिएगा, तो देखिए अप स्ट्रीम में आप क्या करते हैं बी माइनस सी लेते हैं, तो आपका बी कितना है 2t है और सी क्या है टी है, तो यहाँ 2t लिखिए माइनस टी इज प्लस फिर 72, इधर से डाउन स्ट्रीम में आने में 72, फिर वापस आएगा, तो देखिए ये दोनों में क्या होता है डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है दोनों का स्पीड, और इसमें क्या होता है माइनस होता है, तो देखिए 2t प्लस टी लिखिए इज इक्वल टू टोटल टाइम आपका 32 आवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ 32 लिख दीजिए, तो आप इसे यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ टी का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 3, ठीक है, टी का वैल्यू 3 आएगा, तो टी का वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिएगा, तो बी और सी, तो ये जो आपका 2t था 2t अपॉन टी है, तो देखिए टी पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपको इसमें एक्स है, जो एक्स क्या, एक्स इज द डाउन स्पीड इन किलोमीटर, जो एक्स है जो आपको निकालना है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, मतलब एक्स यहाँ बोलने का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में आपका क्या लेते हैं दोस्तों बी प्लस सी, ठीक है, तो बी प्लस सी आपका यहाँ निकल चुका है 6:3:9, तो ये आपका क्या हो गया क्वांटिटी वन, ठीक है, और क्वांटिटी टू भी आपका 9 दिया हुआ है, तो मतलब क्वांटिटी टू भी आपका 9 दिया हुआ है, तो क्वांटिटी टू और वन क्या हो गया दोनों बराबर हो गया, तो आपका ये रहा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपका गिवेन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जिसको हम लोग ए मान लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना, ए स्क्वायर 324 गिवेन है, तो यहाँ ए आ जाएगा, जो साइड ऑफ स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर 18 आ गया, ठीक है। हुज पेरीमीटर इज, इसका जो पेरीमीटर है इज इक्वल टू, मतलब पेरीमीटर कितने होता है, पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, 4a मीन्स आपका कितना हो गया 4 × 18 = 36 मतलब 72, मतलब ये 72 है, ये किसके बराबर है इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या हो गया आपका 2l + b,
ठीक है, ये आपका पेरीमीटर अब बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से 2 से 36 टाइम कैंसिल करिएगा तो एल प्लस बी मिल के आपको कितना आ जाएगा 36। फिर आगे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ है एल है 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रथ। तो देखिए ब्रथ आप मान लीजिए टी है और यहाँ क्या है 4 ज़्यादा है, तो टी प्लस 4 कर लीजिए। तो आप ये एल और बी का इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2t, तो 2t प्लस 4 तो उधर कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से टी आपका निकल के आ जाएगा 16। इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा एल और वी के वैल्यू तो आपको यहाँ टी बराबर 16 आ जाएगा। तो टी बराबर आप 16 इसमें पुट किया लेंथ में तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या है क्वेश्चन में, एक्स इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो एक्स है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका लेंथ कितना है 20 है, ब्रेथ कितना है 16 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 320 हो गया। और 320 ये क्या है क्वांटिटी 1 है। तो देखिए आपका क्वांटिटी 2 क्या है 320 ए भी गिवन है, मीन्स आपका क्वांटिटी 1 क्या हो गया इक्वल टू हो गया क्वांटिटी 2 के। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई रहा।